नमस्कार दोस्तों, वशीकरण के टोटके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ, अपने दुश्मन को बीमार करने का महाशक्तिशाली टोटका। दोस्तों, क्या आप अपने दुश्मन को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं? क्या आपका दुश्मन बहुत बलशाली, बहुत ताकतवर है, जिसके दौरान आप कुछ भी उसका बिगाड़ नहीं पा रहे, या वह आपको अपने काम कारोबार के अंदर धोखा दे दिया है, या घर परिवार के अंदर दरार पैदा कर रहा है? तो दोस्तों, ऐसे दुश्मनों को बिस्तर पर लेटाना ही सही होगा। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, यदि आप चाहते हैं अपने दुश्मन को बीमार करना और उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो दोस्तों यह छोटा सा उपाय करने से अपने दुश्मन को बीमार कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको सबसे पहले आपको एक तेल का दिया लगाना होगा और दो अगरबत्ती लगानी होगी, एक चक्कू और थोड़ा सा इत्र और एक नींबू और एक कील और एक धागा। यह चीजें आपको लेकर आनी होगी। यह उपाय आपको अमावस्या की रात को करना होगा और यह करने से पहले आपको आपकी सुरक्षा का भी ध्यान रखना होगा। वह आपको मैं वीडियो के एंड के अंदर बताऊंगा कि अपनी सुरक्षा कैसे करनी है। तो दोस्तों, सबसे पहले उस अपने दुश्मन को बीमार करने का टोटका उपाय वह जान ले। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको एक नींबू लेना है। उस नींबू पे हरे रंग का मार्कर लेना है। मार्कर से आपको उसका सबसे पहले नाम, फिर प्लस और उम्र, और नीचे शत्रु नाश स्वाहा, शत्रु नाश स्वाहा, यह उपाय यह लिखना होगा। इस यह लिखने के बाद में एक कील लेनी होगी, जो कि उस तेल के दिए के अंदर इस प्रकार से उसको थोड़ा सा गर्म करना होगा और ओम शत्रु नाश, ओम शत्रु नाश, इस प्रकार से 7 बार बोल दें। और बोलने के बाद में उस नींबू के अंदर इस प्रकार से कील आर पार कर दें। यह कील आर पार होने के बाद में वह चक्कू लें और चक्कू के ऊपर उसके जो नाम लिखा होगा, उस नाम के ऊपर 11 बार इस प्रकार से वार करें। इस प्रकार से 11 बार वार करने के बाद में आपको एक काला धागा लेना होगा। धागे की मदद से उस नींबू को और कील को इस प्रकार से आपको बांधना होगा। यह बांध दें और बांध देने के बाद में ये जो इत्र अपने पास में पड़ा होगा, इत्र आपको इसके ऊपर थोड़ा सा छिड़कना होगा, यानी कि इसके ऊपर थोड़ा सा इत्र आप लगा दें। और लगा देने के बाद में इस प्रकार से पकड़ने के बाद में उस दिए के ऊपर से 7 बार इस प्रकार से घुमा दें। दोस्तों, यह कार्य करने के बाद में आप जिस दुश्मन को आप बीमार करना चाहते हैं, उसका अपने दिमाग में ध्यान करें। ध्यान करते समय इसको ऐसे पेड़ के ऊपर बांध दें जहां पे उल्लू बैठते हों। दोस्तों, जहां पे उल्लू बैठते हों उस पेड़ के ऊपर इसको बांध दें। बांध देने के बाद में आपने घर पर आना है और मीठा बिल्कुल भी नहीं खाना होगा। अपनी सुरक्षा की बात, तो सुरक्षा इस प्रकार से है कि आपको किसी भी प्रकार का खाना आपको नहीं खाया होना चाहिए और किसी भी प्रकार का इत्र या सेंट परफ्यूम नहीं लगा होना चाहिए। और दोस्तों, यदि यह उल्टा होता है तो वशीकरण के टोटके मल की कोई गारंटी और कोई वारंटी और किसी भी प्रकार की कोई जवाबदारी नहीं होगी। दोस्तों, यह करने से पहले स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क जरूर कर लें, जिससे आपको सही स्टिक जानकारी मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।